दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी गाड़ी के टायर हमेशा काले ही क्यों होते हैं, या फिर दुनिया भर में काले रंग के टायर क्यों होते हैं? तो दोस्तों, स्वागत है आपको ऑनलाइन स्टडी फॉर यू में। अब की बार मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गाड़ियों के टायर का रंग काला ही क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को करिएगा लाइक, और चैनल पे हो आप अगर नए तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिसमें कोई भी नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर बिल्कुल नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। आपने शायद इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि गाड़ी के टायर हमेशा काले ही क्यों होते हैं, लाल, पीले या सफेद क्यों नहीं होते। टायर बनाने वाली सभी कंपनियां टायर का रंग काला ही क्यों रखती हैं? भारत ही नहीं, विदेशों में भी टायर काले ही होते हैं। जानते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, तो चलिए हम बताते हैं कि टायर का रंग काला क्यों होता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि टायर रबर से बनता है, लेकिन प्राकृतिक रबर का रंग स्लेटी होता है, मतलब ग्रे होता है। तो फिर टायर काले कैसे? दरअसल बनाते वक्त उसका रंग बदल जाता है और ये स्लेटी यानी ग्रे से हो जाता है ब्लैक, काला। टायर बनाने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन। टायर बनाने के लिए उसमें काला कार्बन मिलाया जाता है, जिससे रबर जल्दी घिस ना सके। अगर सादा रबर का टायर 10,000 किलोमीटर चल सकता है, तो कार्बन युक्त टायर 1 किलोमीटर या उससे अधिक चल सकता है। अगर टायर में साधारण रबर लगा दिया जाए तो यह जल्दी खींच जाएगा और ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, इसलिए इसमें काला कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है, जिससे कि टायर काफी दिनों तक चले। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर टायर को किसी दूसरे कलर से बनाया जाए तो क्या होगा। आपने छोटे बच्चे की साइकिल में लगे रंगीन टायर तो देखे होंगे। इनके रंगीन होने की वजह यही है कि टायर ज्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं। हालांकि ये रंगीन टायर ठोस होते हैं, इसमें किसी भी तरह से हवा नहीं भरी जाती है, इसलिए ये टायर थोड़े टक्कर दे जाते हैं। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि क्या होगा अगर टायर को किसी और कलर से बनाया जाए। आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। रंगीन टायर ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि जब टायर को रंगीन करने के लिए उसमें रंगीन पदार्थ मिलाया जाएगा तो टायर में कार्बन और सल्फर की मात्रा पर असर पड़ेगा। और हमें पता है कि टायर कार्बन और सल्फर की वजह से ही मजबूत होते हैं। हालांकि अभी तक कई कंपनियां रंगीन टायर बना चुकी हैं, लेकिन इसका बहुत कम प्रयोग हो रहा है। आपने कभी टायर को जलते हुए तो देखा ही होगा, उसमें काला धुआं निकलता है, तो कार्बन का काला धुआं होता है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि टायरों का रंग काला क्यों होता है। अभी कार्बन युक्त टायर काफी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, इसलिए इनके कलर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव देखने को मिल रहा है, टायर के कलर बदलने का समाधान भी ढूंढ लिया जाएगा और भविष्य में आपको सड़क पर चल रहे बड़े वाहनों में भी रंगीन टायर देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि टायरों के कलर क्यों होते हैं ब्लैक। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को दीजिएगा एक लाइक, करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।